एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई भी स्टाफ और कोई भी उधर में है तो लोगों को पता चलेगा उधर में क्या था सिचुएशन, भागा में है ना, इसलिए मुझे पता चला है। बट इसको रियलिटी में शो कर सकता क्योंकि हर जगह में कैमरा है, आजकल हर जगह कैमरा है, कैमरा सबको आंसर बोलेगा। इसलिए एथलेटिक फेडरेशन ऐसा ही मना किया, हम लोग पानी के लिए मना किया था और मैं और कोच डॉक्टर निकोलाई, बट ओपी जैसा मना नहीं किया था, डॉक्टर निकोलाई मना किया होगा और एम इसका बारे में मुझे नहीं पता था, डॉक्टर निकोलाई सर इसको मना किया हुआ है और डॉक्टर निकोलाई कल डेफिनेटली मना किया होगा। बट भागना मैं हूं ना, रिजल्ट मुझसे मुझे ही पूछेगा और इतना अभी तकलीफ मुझे ही हुआ। और अगर ढाई ढाई किलोमीटर में पानी रखा और हमारा बूथ में अगर पानी रखा तो मैं इतना परेशान नहीं होगा था। और मुझे इतना बड़ा झूठ बोल के, मेरा स्पोर्ट्स का करियर में इतना साल हो गया मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, एक इवेंट नहीं मैं 1500 मीटर से होकर 42 किलोमीटर मैराथन तक भागती हूँ, मैं आज तक कोई कंप्लेन नहीं किया ना फेडरेशन के लिए, अभी भी ए लास्ट ईयर मूवमेंट तक मैं किसी को एक भी कंप्लेन नहीं किया, मेरे लिए ऐसा हो गया ऐसा हो गया कोई कंप्लेन नहीं किया। बट अभी मैं ऐसा बोला तो मैं इतना सीरियस था, सब लोग उधर में बोल रहे ये सब कुछ नाटक था, ये नाटक नहीं था, नाटक है तो इतना इन लोगों को समझ में आना है, किसी का बॉडी में 7 बोटल ग्लूकोज नहीं एक्सेप्ट करेगा, 2 बोटल 3 बोटल का बाद में बॉडी में ग्लूकोज लेने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, नर्व्स फिर नहीं लेगा, बट 7 बोटल ग्लूकोज और 3 बोटल पोटासियम ये सब सोडियम सब कुछ मेरा बॉडी के अंदर लिया, ये सब कुछ झूठी हो गया। फिर उधर का डॉक्टर लोग सब पागल था, हम लोग बस से ही था, उधर में कोई रहा नहीं, एफआई का कोई पर्सन उधर है ही नहीं था, वो लोग बता रहे, इधर में बैठ के वो लोग बता रहे, उधर में ऐसा सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग क्या दिखाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट को क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या शो करना चाहती हूँ। बट मुझे रियलिटी मुझे पता है, मैं और कविता राउत भागा है, हमको पता है कितना किलोमीटर में पानी है और मैं प्रूफ भी कर सकता क्योंकि सबका पीछे कैमरा रखा लगा हुआ है, कितना कितना किलोमीटर में पानी है और इंडिया का बोर्ड बूथ में इंडिया का बोर्ड के नीचे कोई पानी है कि नहीं, ये मुझे पता है। बट मैं इतना बड़ा नहीं हूं क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ूं और फेडरेशन के अगेंस्ट लड़ूं और नहीं तो साइकिल अगेंस्ट लड़के मैं जीत जाऊं, मैं नहीं जीत जाऊंगी, बट भगवान के सामने, सच्चाई के सामने, मेरा सच्चा स्पोर्ट्स का सामने मुझे इतना ही बोलना है, किसी एथलेट के साथ ऐसा नहीं करना क्योंकि अपना झूठ को सच करने के लिए कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना इतना, क्योंकि हम इतना मेहनत किया हुआ है लाइफ में ये कंपटीशन के लिए, पिछले 4 साल में हम इतना जला हुआ है, ये सबको पता है, सबसे ज्यादा एएफआई को पता है क्योंकि हमारा हर बात सुनने वाला एएफआई था, हम साई से ज्यादा एएफआई को बिलीव करती थी क्योंकि हमारा हर बात एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को हमेशा हेल्प करता था। बट अभी लास्ट मोमेंट में क्यों मैं ऐसा बोला, क्योंकि मेरा करियर का फिनिश है ये सब, उसके बाद में लोगों ने मुझे ऐसा बोला, इसमें मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ।